मोइजू पर काला जादू। आखिर किसने किया राष्ट्रपति पर काला जादू? काले जादू को लेकर अलग अलग थ्योरी। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है, कौन किसके साथ आ जाए और कौन कब किसका विरोधी बन जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। वो कहते हैं ना, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और इसी की वानगी हमें मालदीव में देखने को मिली। मामला मालदीव की राजनीति से जुड़ा हुआ है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पर काला जादू करने की कोशिश की गई है। इसके आरोप किस पर लगे हैं और कौन वो महिला है जिसने काला जादू किया है कि हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन हम आपको ये बता दें कि काला जादू के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पर काला जादू करने के आरोप में उन्हीं की कैबिनेट की एक मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। काला जादू के आरोप में जिस महिला मंत्री को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम फातिमा समनाज अली सलीम है। फातिमा समनाज मोहम्मद मोइजू की सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं। उनके साथ दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक उनका भाई भी है। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के पास इन्हें पेश किया गया, जहां से इन्हें 7 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। इससे पहले पुलिस ने फातिमा के आवास पर छापेमारी की और कई आपत्तिजनक चीजों को भी जब्त किया है। कहा जा रहा है कि इनका इस्तेमाल काले जादू के लिए किया करती थी। काले जादू को लेकर क्या है थ्योरी? राष्ट्रपति मोइजू पर काला जादू करने को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति मोइजू पर काला जादू करके समनाज उनकी गुड बुक्स में आना चाहती थी। कहा जा रहा है कि वह मोइजू सरकार में अहम पद हासिल करना चाहती थी, इसके लिए काले जादू का उन्होंने सहारा लिया। इस मामले में एक अलग थ्योरी भी सामने आ रही है कि मोइजू की पत्नी और फर्स्ट लेडी ने प्रतिशोध की भावना से समनाज को इस मामले में फंसाया है, क्योंकि आरोप है कि समनाज ने मोइजू की पत्नी का एक वीडियो लीक किया था जिसमें वे किसी पब में गाना गाते हुए थिरकते हुए नजर आ रही थी। बताते चले कि मालदीव सरकार ने देश में लगातार बढ़ रहे काले जादू के मामले को देखते हुए साल 2015 में एक चेतावनी जारी की थी। मालदीव सरकार के इस्लामिक मंत्रालय ने सार्वजनिक चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि समाज में काले जादू का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, लोगों को इससे दूर रहने की जरूरत है वरना परिणाम सही नहीं होंगे। बता दें कि मालदीव में काले जादू को स्थानीय भाषा में फातिंडा या शिहुरू कहा जाता है। इस्लामिक कानून के तहत काला जादू मामले में दोषी ठहराए जाने पर गंभीर सजा का प्रावधान भी है। पिछले महीने पुलिस ने मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से संसदीय चुनाव लड़ने वाले एक युवक पर काला जादू करने के आरोप में 60 साल के शख्स को गिरफ्तार किया था। बहरहाल काले जादू को लेकर कई तरह की अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है, पर असली वजह क्या है जिस वजह से फातिमा समनाज ने काला जादू जैसा कदम उठाया ये तो अब तक साफ नहीं हो पाया है। पर जो भी हो, मामला बेहद चौंकाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।